इसको समझिए एक बार, भोजन करते समय हमें शिष्टाचार का पालन कैसे करना चाहिए। भोजन करते समय अपनी मनचाही वस्तु को खाते समय अधीरता, अधीरता मतलब एकदम से हम बहुत ज़्यादा अधिक बहुत जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। ओहो मम्मी ने आज खीर बनाई है या मम्मी ने आज फ्रेंच फ्राइज बना दिए, मोमोज बना दिए, जो भी आपको व्हाटएवर जो भी पसंद हो, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी पसंद है वो आपको मिल जाए, आप कैसे खाएंगे उसे जल्दी जल्दी? नहीं, ऐसे नहीं खाना है। अधीरता नहीं दिखानी है, खुश मन से खाइए लेकिन अधीरता मत दिखाइए, क्योंकि ये पिता अशिष्टता के अंदर आता है। ठीक है, जब भी भोजन करो तो खाते वक्त मन चाहिए, अगर कोई वस्तु मिल भी जाए तो उसे खाते वक्त अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। मुंह से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करनी की कि चप्पड़ चप्पड़ आवाज़ करे जा रहे खाते वक्त, ठीक है, वो आवाज़ नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं होता। अगर आपसे बड़े खा चुके हैं तब भी आप खाए जा रहे हो, बैठे हो पूरी थाली भर कर, तो वो सही नहीं है। आप उनके साथ खाइए और जब वो खा लें उससे पहले आप भी समाप्त कर दें, उनके साथ आप भी समाप्त कर लें और आवाज़ किए बिना खाएं। ये सभी शिष्टता के अंतर्गत आता है। भोजन करते समय ये शिष्टाचार का व्यवहार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीवन में अनुशासन क्यों ज़रूरी है? जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज के सुचारू आचार सही तरीके से चलने के लिए, सुचारू संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए, सही ढंग से चलने के लिए, समाज को चलाने के लिए सही ढंग से अनुशासन आवश्यक है। ठीक है, अनुशासन क्या है? आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका, किन किन अवसरों पर अनुशासित रहना चाहिए? अनुशासन का कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए हमें? निम्न स्थानों पर अनुशासन में रहना चाहिए। नंबर एक, भीड़ वाले स्थान पर पंक्तिबद्ध खड़े होना चाहिए, अर्थात लाइन में खड़े रहना चाहिए हमें, जहाँ बहुत अधिक ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर पंक्तिबद्ध बेटे पंक्तिबद्ध खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय सावधान मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा किन किन अवसरों पर अनुशासित रहना चाहिए हमें, तो सावधान रहना चाहिए। तीसरा, अगर कोई आपके घर में आ जाए, घर में अतिथि आता है, तो घर में अतिथि के आने पर मनचाहा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, मनचाहा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी के दफ्तर में जाकर चीजों को पलटना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी दफ्तर में आप चले गए हो तो दफ्तर में जाके किसी भी वस्तु को उलटना पलटना नहीं चाहिए। तो इन सभी प्रश्नोत्तर को ध्यान से करना है, अच्छे से कीजिए और याद कीजिए। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वीडियोस को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सभी बच्चे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। और स्नैपबैक पर जो भी बेटे आप लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ केवल आपको यूट्यूब में समझाए जा रहे हैं उत्तर किस प्रकार से है, लेकिन आप एकदम से साइकिल को नोट नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये सारे प्रश्नोत्तर या आपके जो भी प्रश्न आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है, गृह कार्य हो गया या कोई आपको अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है, वो सारा का सारा स्नैपबैक पर अवेलेबल है। वहाँ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए वहाँ से, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर दीजिए,
क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए आपके पास। ओके, धन्यवाद।